के बोसी ऐसी एक साड़ी लईए हो के जिसकी चमकी निराली। मेरे गुरुजी करमपाल शर्मा जी, उनकी गाइडी रागनी है, रेडियो के ऊपर आपने सुनी, शायद उनके जैसा ना गा पाऊं, गुरु तो गुरु होते हैं लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा आपके बीच। आपने सुनी होगी, आज हमारी भी सुनिए, के बोसी ऐसी साड़ी लईए हो जिसकी चमके निराली, बोसी ऐसी साड़ी लईए हो जिसकी चमके, ओ जिसकी चमके निराली, जिसकी चमके निराली, जिसकी चमके निराली, जिसकी चमके निराली, बोसी ऐसी साड़ी लईए हो जिसकी चमके निराली, बोसी ऐसी साड़ी लईए हो जिसकी चमके निराली। ने बोली भाभी एक साड़ी लेकर आइए। सुभाष चंद्र बोस का दिमाग चकरा गया, भाभी के कहे, अरे मैं मर भी तो सकता हूं, नू के अपना ख्याल रख। एक पुलिस वाला यानी कि अंग्रेज खड़ा था, उस अंग्रेज को शक ना हो जाए इसलिए बात घुमा फिरा के भाभी कह रही है, कहती के देवर कलर रंग सुन ले कैसा, ऊपर केसर या बीच में सफेद नीचे हरा तिरंगा, समझ जाना क्या मंगवा रही है। इस पूरे अखंड भारत की तस्वीर के सुभाष अगर मेरा देवर है तो ये साड़ी इस देश को बना के आना और चित्रकारी करवाना, कहीं आने वाली पीढ़ी के नौजवान इन महापुरुषों को भूल ना जाए, इनके फोटो लगवा देना। क्या कहती है भाभी, क्या बताए। साड़ी ऊपर फोटू में, साड़ी ऊपर फोटू में भारत के सभी आर्य हो, ऋषि दयानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपाल आचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपाल आचार्य हो, रक्षा मंत्री भारत का जगदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवाहर भी हो, हंसते हंसते वे जेल अंदर भाई पढ़ने को तैयार भी हो, हंसते हंसते जेल अंदर पढ़ने को तैयार भी हो, काला पानी पहुंचाए, सुभाष तेरे जैसे न जाने कितने क्रांतिकारी आए और कितने चले गए, देखो शायद कम लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश में बनारस के अंदर एक चौक के ऊपर कुछ क्रांतिकारी देशभक्त जिन्होंने अंग्रेजी सरकार का पुतला बनाकर फूंका और इनकलाब जिंदाबाद के जयकारे लगाए, 11 क्रांतिकारी थे, उनमें एक छोटा सा मात्र 13 वर्ष का बच्चा भी मिल गया जाके, वो भी कहने लगा वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही आए, 11 बड़े और एक छोटा टाबर सबको गिरफ्तार करके ले गए, कोर्ट लगा, कचहरी लगी, जज साहब बैठे हैं और संयोग से जज एक औरत है, अंग्रेजी है, अंग्रेजन है, उसने 11 आदमी देख लिए, 13 वर्ष का जब बच्चा देखा तो देखा, रे ये बच्चा कौन है। पास में खड़े जल्लाद ने कहा कि मैडम ये बच्चा भी क्रांतिकारी है। बड़ी हंसने लगी, इस बच्चे का दूध मुआ बच्चा है,
ये कहां से क्रांतिकारी होगा। मैडम ने कहा बेटा इधर आ, वो 13 साल का बच्चा गया, कहिए क्या कहना चाहती हो। निडर होकर बोला, अंग्रेजन बोली बेटा किसका है तू, तेरे बाप का नाम क्या है। बच्चा कुछ नहीं बोला। अरे तेरी मां का नाम क्या है। 13 साल का बच्चा कुछ नहीं बोला। वो अंग्रेजन पूछते बड़ा ढीठ है, कहां का रहने वाला है, अपना गांव नाम बता। बच्चा कुछ नहीं बोला। अब वो मैडम कहती है जज के जल्लाद ये बड़ा निडर बच्चा है, ढीठ है, एक काम कर इसकी कमीज उतार, फरस पर लिटा के नंगी कमर पर 10 कोड़े मार से। बोलेगा ये जल्लाद ने उस 13 साल के बच्चे की कमर नंगी करी, कोड़े तो मारना शुरू करा, एक कोड़ा लगा खाल, कोड़े का चिपक के लहू लुहान जागी कमर की, लेकिन बच्चा टस से मस नहीं हुआ और मुस्कुरा कर कहता है इनकलाब जिंदाबाद। दूसरा कोड़ा लगा कमर सारी लहू लुहानों की, बच्चा कहता है वंदे मातरम। तीसरा कोड़ा लगा बोला इनकलाब जिंदाबाद। चौथा कोड़ा लगा बोला भारत माता की जय। जज साहिबा को लगा अगर 5वां कोड़ा लगे तो बच्चा मर सकता है, रुक जा रे मत मारे, दिल पसीज गया उसका। बोले बेटा खड़ा हो, लगता है तू देशभक्त है। अरे तुझे तेरी भारत माँ की कसम, बोल तेरी माँ का नाम क्या, तेरे बाप का नाम क्या, कहाँ का रहने वाला है और तेरा नाम क्या है। अगर बात अच्छी लगे, उस बच्चे का नाम अच्छा लगे तो ताली बजाना मेरे लिए नहीं उस बच्चे के लिए। क्या कहा सुनो, जब भारत माँ की कसम दे दी आंखों में आंसू आ जाते बच्चे के और सजनों आंसू टप टप गिरने लगे। कहते कि पूछना चाहती है जज साहिब तो सुन, तो सुन मैं कौन हूं, मेरी मां का नाम क्या है। अरे क्या पूछेगी जनाब अली, बुरी तरह बर्बाद हूं मैं और मेरी मां का नाम तो आजादी, उसका बेटा आजाद हूं मैं, उसका बेटा आजाद हूं मैं। 13 साल का था चंद्रशेखर आजाद, उससे दिन कसम खाई थी। अंग्रेजी हुकूमत की कोई गोली ऐसी नहीं बनी जो आजाद के सीने को छल नहीं कर सके। अल्फर्ड बाग में बताते कि नेहरू ने मुखबरी करी थी और एक पेड़ के पीछे जब नियत्ता हो गया, एक ही गोली पिस्टल में बची, तो भारत माँ के उस शेर ने अपनी गोली अपने माथे में मार ली। सजनों शहीद हो गया, अंग्रेजा की गोली खा के नहीं मरा। अरे ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों के फोटो चाहती है, उनके लिए ताली तो बजाओ जरा। हाँ बेटा कौन कौन से बताओ। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, रास बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में, पिता हुआ निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, मरते हुए मजोस भी हो, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, मरते हुए मजोस भी हो। जलियावाले सन 1919, जलियावाले बाग का जलसा दायर फायर करीता हो, भारत का बदला लेने लंदन में शेर विचरीता हो, ऊधम सिंह की उड़े ऊधम सिंह की रे गोली ते लंदन में दायर मरेता हो, ऊधम सिंह की गोली ते लंदन में दायर मरेता हो, दायर मारा आप मरा, दायर मारा आप मरा, गया ना मार कती खाली, जिसकी चाबा के निराली, जिसकी चाबा के निराली,
लक्ष्मण राजी छोड़ के क्यों? अरे पण मैं धक्के खाते हो हरिनंदर भी सत के कारण काशी में बिक जाते हो जगदेव पवार भी काट के गर्दन रे दान में सी चढ़ाते हो जगदेव पवार भी काट के गर्दन दान में सी चढ़ाते हो वे राजा मोर दत्त चीर के लड़का कृष्ण का शेर जी माते हो हिरणा कुछ पहला दे भगत को लाल खम्भ पकड़ाते हो राजा बोल विक्रमादित्य पर साड़ी लइए हो जिसकी चमके निराली कहता था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नौजवानों तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उसका नारा था। लेकिन कुछ अहिंसावादी थे, वो कहते थे, उनके लोग कहते थे कि रे दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल और साबरमती के संत तूने तो कर दिया कमाल। वे देश में कितने मरे लेकिन अंततः एक देश का बाप बन गया और एक देश का चाचा बन गया। चाचा नेहरू जी बाल दिवस मनता है, खुशी मनाई जाती है। राष्ट्रपिता आया था लंगोट में बढ़ गया नोट में। खूब गाई रागनी हमारी क्षमा गाती थी, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए, गांधी जी की जगह सरदार भगत सिंह। अरे कदे भी को ना छपे, किस्मत ताकत नहीं छाप दे। कारण है जब अंग्रेज गए, जिन क्रांतिकारियों की आप पूजा करते हो, फरमाइश कर करके रागनी सुनते हो, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सावरकर, राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल, कितने सारे, इन सबके नाम शहीदों में कोन्या। आप पढ़े लिखे हो, गूगल पे सर्च करना मेरी बात सुनने के बाद। अरे इनके नाम तो आज भी दस्तावेजों में आतंकवादियों के नाम है। देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य, अरे कोई बदल नहीं सकता। और आतंकवादी का फोटो भारत की नहीं किसी भी करेंसी पे नहीं आ सकता, ये यूएन ऊपर तो ऑर्डर है। जब देश आजाद हुआ विक्टो पावर थी, विक्टो पावर हिंदुस्तान को मिली थी, लेकिन नेहरू जी ने पता ना क्यों चीन को दे दी। अगर देश पे आज विक्टो पावर हो तो पाकिस्तान के बाप की हिम्मत कौन है? पाकिस्तान का बाप तो खैर हम ही है, मारते ही बने हैं। चाइना की हिम्मत कौन है? मारे मारी सीमा को दबा ले या कोई आंख दिखा दे, विक्टो पावर कौन है? जवाब लेना पड़े कई देशों से। देखो वो कहते थे कि गांधी तन लई आजादी चला चला के चरखा, लेकिन मैं कहता हूं जी आजादी को तो लाने वाले सच्ची बात है, जो लाए वो सौदा कर गए अपने सर का, सर कटा के जब आजादी मिली है। हिंसा अगर परले ना करती है हिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन अगर कायर ना बनता कभी गीता का ज्ञान नहीं होता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसो का अगर बलिदान नहीं होता, चाहे 1,00,000 गांधी चरखा कात कात का मर जाता, ये आजादी का सहगाम भी नहीं होता। कमाल कर, चलिए छोटी बहुत लंबी बात हो जाएगी। अब भाभी कहती है कि देवर ये फोटो मुझे चाहिए। सुभाष कहता है कि भाभी तूने पूरी दुनिया के फोटो ले लिए, कम से कम एक फोटो इसका सुभाष का भी तो होना चाहिए।
देखो भाभी ने कितनी बड़ी बात करी, देवर तेरा फोटो तो बिल्कुल मने पल्ले पे फ्रंट पे चाहिए, लेकिन जब तू यो काम कर देगा तब तेरा फोटो हो, और वो काम कौन सा अगर अच्छा लगे तो शहीद के लिए जोरदार ताली चाहूंगा। सुनी चली महाभारत गीता, रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती दिखे गुलामी का नाश भी हो। और ताली चाहूंगा आप सबकी, सुनिए कितनी बड़ी बात, जब लाल किले पे तिरंगा झंडा और सामी खड़ा सुभाष भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा सामी खड़ा सुभाष भी हो, सरदार सिंह तूफान कहे गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो, मजदूर किसानों का नेता वो तुलाराम भी संग में हो, भाई आजादी के जंग में हो, भारत का बच्चा बच्चा आजादी के जंग में हो, फिर साक्रोध के नक्शे में जब दिखे हाल पाली बोसिए से साड़ी लिए हो, जिसकी चमक के निराले अच्छी लगी सब।